वो कैसा इत्मीनान से सो रहा। क्यों भाई एक बात बताओ ईमानदारी से, सिनेमा में सोता क्या? अरे बोलो ना। और दुकान पे बैठ के सोता क्या? गल्ला गायब हो जाएगा। गाड़ी ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ सो जाए तो क्या? सोपला तो संपला। हाँ, जो सोया वो गया, गया कि नहीं गया? यहाँ क्यों सोता है? एक आदमी को नरम गद्दे पे सुला दो तो नींद आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो ना, आएगी ना। और किसी को आग में डालो और किसी को कांटे पर सुलाओ, अरे रूह थक जाती है और कांटों पर रहकर बेचैन हो जाती है, और आमाल के माहौल में आकर सुकून मिलता है तो सो जाती है। इसलिए नींद आती यहां पर। एक आदमी ने देखा लंदन के वो अमेरिका के रेलवे स्टेशन पर तालीम हो रही और लोग झटके खा रहे हैं। उसने कहा कैसे लोग हैं, हमको तो गोली खा के नींद नहीं आती, ये बगैर बैठे नींद गोली खाए झटके खा रहे। एक ने कहा तू भी बैठ जा, तेरे को भी झटके आएंगे। बाकी वो बैठ गया, उसको भी झटके आने लग गए। बोले क्या बात है? का रूह को सुकून मिलता है तो सो जाती है, तुम्हारा सुकून छिन गया, क्या तुम सो गए? तुमको गोली खा के भी नींद नहीं आती। जो वो जमात वाला बेचारा जमात में निकलता है ना, अरे रात को सोने का वक्त आया, नींद पहले आती कि गर्दन पहले डालता अब तकिए पर, अल्लाह ही को मालूम। इतना मस्त सोता है और ऐसे जोर जोर से खर्राटे लेता है कि सबकी नींद हरा। ऐसे मजे से सोता है। एक जमात सो रही थी मस्जिद के सहन में, बांगी साहब रात का लाउड स्पीकर बंद करना भूल गया अजान का। सारा महल्ला उठ के आया, गड़बड़ क्या हो गई? ऐसे मजे से सोता है, दिल को इत्मीनान, रूह को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, उसको रोजी मिलती है, उसको गिजा मिलती है। हाँ, बुरे माहौल में गिजा नहीं मिलती, इससे जागती है। भूखा आदमी, उसको नींद नहीं आती, सदियों की भूखी रूह, उसको गिजा नहीं मिली, उसको भी चैन नहीं आता। जब गिजा मिलती है ना अमाल की, उसको भी सुकून मिलता है, वो भी झटके खाने लग गया बैठ करके। ईमान किसको कहते हैं? हमारी बात ईमान की समझ में नहीं आती। ईमान बनने का रास्ता है, जब आता है ना आदमी में तब्दीली आती है। हाँ, आदमी बदल जाता है, फिर वो चार दीवारी की बहु बेटी कहती नहीं अल्लाह देख रहा, वो चरवाहा कहेगा अल्लाह देख रहा। ये तब्दीली आएगी इंसान की जिंदगी के अंदर। ईमान इसको कहते हैं। ईमान नमाज की जान है। किसकी जान है? हाँ, एक चोर अपने बच्चे को मौलवी साहब के पास बिठाया। वो मौलवी साहब, पढ़ा लो इसको थोड़ा बहुत दीन, इसको बनाने का चोर मौलवी साहब नहीं बनाने का है। बीच में कब बस बहुत पढ़ा लिया, चल बेटे चोरी करने जाएंगे, चल। अब गए बाप बेटे चोरी करने, अब बाप बेटे को ट्रेनिंग दे रहा, देख बेटे मैं अंदर माल चुराने जाऊंगा और माल तक जाऊंगा, तू खतरा देखना, उल्लू की आवाज निकाल के भाग जाना, मेरा इंतजार मत करना, मैं आके मिल जाऊंगा तेरे से। और अगर कोई खतरा नहीं देखना खामोश रहना, हम दोनों मिलके फिर चले जाएंगे माल लेकर। बेटे को बाहर खड़ा किया और बाप अंदर माल तक गया और माल तक हाथ लगाया, बेटे ने उल्लू की आवाज निकाल के भागा, दूर जाकर ठहरा। बाप ने भी माल छोड़ा और भागकर बाहर निकला और दूर जाकर बाप बेटे से मिल गया। अब दोनों के सांस दुरुस्त हुए। बेटे को बाप पूछने लगा, अरे बेटे कौन आया था, कौन देख रहा था? बोले अब्बा ऊपर वाला देख रहा था। है तेरी कम वक्त की, तू चोरी नहीं कर सकता। करेगा चोरी? अरे बोलो ना, नहीं करेगा। इतनी बड़ी ताकत है। अब ये जो अजान की आवाज सुन के मस्जिद के पास से गुजर जाता ना, ईमान बनने के बाद गुजरेगा क्या? आज अजान की आवाज सुनकर मस्जिद में दुकान पे बैठता फिर बैठेगा क्या? जब नमाज आई, ईमान बनने के बाद नमाज आई तो ऐलान हुआ पांच टाइम की नमाज फर्ज है। अब अजान हुई, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने अजान दी। ऐसी अजान नहीं जैसे हमारी मस्जिद में होती, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब बांगी क्या बोल रहा, इसका पेट दुख रहा, इसका सर दुख रहा, इसकी कमर में तकलीफ है, कुछ भी नहीं, बस अजान दे रहा के रो रहा, समझ में भी नहीं आता। हाँ, एक अजान हजरत बिलाल की थी, तीन मील तक आवाज जाती थी, तीन मील तक। जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अजान हुई, साहबा ने धड़ाधड़ दुकानें बंद की, धड़ाधड़।
जो जिस हाल में था लपक कर आया मस्जिद में, दुकानें छोड़ करके आया, अल्लाह को बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। अल्लाह ने कलाम पाक में इनकी तारीफ की, रिजालुल्ला तुलीहिम तिजारतुं वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सला व इताइज़ ज़का यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फील क़ुलूब वल अबसार। अरे मर्द नहीं, जवान मर्द है, कोई चीज इनको अल्लाह की याद से नहीं रोकती, नमाज के कायम करने से और जकात की अदा करने से। ये कयामत के दिन से डरते हैं जब दिलों को पलट दिया जाएगा और लब्बैक कह के हमारे घर पे चले आते हैं। मोमिन की शान तो ये थी। क्यों बनाई मस्जिदें? कौम का सरमाया करोड़ों का क्यों लगाया? दिखावे के लिए? कौन जवाब देगा कयामत के दिन अल्लाह ताला को? हमारे घर का माल था, ला करके मस्जिद में लगा दिया, कौन आएगा मस्जिद के अंदर, कौन नमाज पढ़ेगा? हजरत फरमाते थे, अल्लाह की कसम, जो माल इस्लाम के जिंदा करने पर लगाना चाहिए उसको मस्जिदों के बनाने पर लगाते हो। अरे जब मस्जिद में इस्लाम जिंदा नहीं होगा, मस्जिद में नमाजी नहीं आएंगे, गधे लौटेंगे, गधे। इस्लाम नहीं जिंदा करता, कौन जवाब देगा मस्जिदों में अब पैसे लगाने का? खुदा को कौन जवाब देगा? मस्जिद तो आबाद नहीं और मस्जिदें खड़ा कर दिया, वीराने मस्जिदें हमारी, गिनती के लोग आते हैं मस्जिद में और भरी बस्तियां मुसलमानों की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो, सरासर कुफ्र है, निफाक है, जुल्म है उस शख्स का अमल जो खुदा के मुनादी की आवाज को सुनकर मस्जिद में चल करके ना आए। हमारे लिए कोई नमूना नहीं है रास्ते के चलते फिरने वाले, ये जानवर जैसी जिंदगी गुजारने वाले, ये दुकान का बैठने वाला जानवर और ये होटल का बैठने वाला जानवर, ये हमारे लिए नमूना नहीं है। हमारे लिए नमूना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। दुनिया से एक रोज जाने से पहले पैरों में ताकत नहीं है, दो सहाबी के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और पैर मट्टी में ले रहे हैं और आप मस्जिद में आ रहे हैं, हमारे लिए ये नमूना नहीं है। सांस हलक तक आई और फरमा रहे सलात सलात नमाज नमाज, कितना दर्द है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का। और फरमाते हैं औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, और ये मदीन मक्का है, मदीना है, दुनिया चल करके आएगी, उनके साथ अच्छा सलूक करो। ये नमूना नहीं हमारे लिए? माई आयशा फरमाती है इतनी लंबी नमाज पढ़ते हत्ता वरमत कदमा, दोनों पैर सूज जाते। मैंने कहा हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हैं। फरमाया आयशा अफला अकुनु अब्दन शुकूरा, उस अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करूं जिस अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा बनाया है। दो दो रकात में पूरी रात बीत जाती। मैंने एक मर्तबा घबरा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिंडे को हाथ लगाया, कहीं दुनिया से रुखसत तो नहीं हो गए? वो नमाज का क्या हाल है? अब जो पढ़ता है वो अच्छी नहीं पढ़ता, अपने मनमाने तरीके से पढ़ता है। नमाज पढ़े, अच्छी पढ़े, अपने दोस्त को तोहफा अच्छा भेजता है, मालिक को नमाज अच्छी भेजे। कैसी भेजे? अच्छी भेजे। आपके दोस्त ने रत्नागिरी से हापुस आम आपको टोकरे में भेजे, आपने जो खोला तो सड़के निकले, कितना गुस्सा आएगा? तो बुजुर्गों दो रकात में माई आयशा फरमाती है पूरी रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारते थे। अच्छी नमाज पढ़े, वरना नमाज में गड़बड़ हो जाए तो काले कपड़े में लपटकर मुंह पर मार दी जाती, ले तेरी नमाज वापस, अल्लाह को तेरी नमाज की कोई जरूरत नहीं।